हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने फैमिली कुकुरवटेसी और क्रूसी फेरी के बारे में पढ़ा था। आज हम अपने सिलेबस की नेक्स्ट फैमिली पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज रैनन कुलेसी। द फैमिली रैनन कुलेसी इज ऑल्सो कॉल्ड बटर कप फैमिली ड्यू टू देयर फ्लावर लुक लाइक अ बटर कप, लुक लाइक अ कप शेप्ड। So let's start. Systematic position according to Bentham and Hooker, Polly Petley. Class जो होगा वो dicotyledons ही होगा, because the plant is the seed is dicotyledony. And subclass is Polly Petley due to their structure of petals. The petals are free. And Thalmiflora, Ranales and family Ranunculaceae. तो सबसे पहले हम vegetative structure पढ़ेंगे। Distribution में देखेंगे there are 50 genera and over 90-100 species distributed mainly in non-temperate zone. Means क्या कह रहा है? पहली line सबसे अधिक important है, 15 genera जो है और 1900 total species जो है वो पाई जाती हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं कहाँ पर? नॉर्थ टेम्परेट जोन में। मीन्स नॉर्थ टेम्परेट जोन में ही रैनकुलेसी फैमिली की डिस्ट्रीब्यूशन पाई जाती है। इसके अलावा टोटल जो है 50 जनरा हैं और 1900 स्पीसीज हैं जो नॉर्थ टेम्परेट जोन में पाई जाती हैं। इन इंडिया की बात करेंगे द फैमिली इज रिप्रेजेंटेड बाई 20 जनरा एंड 154 स्पीसीज। मीन्स जीनस तो इसके बहुत सारे होते हैं बट स्पीसीज जो है वो कम है। इसका मतलब कह सकते हैं कि जो छोटी छोटी फैमिली है इसकी, जो छोटे छोटे जीनस हैं वही इंडिया में पे पाए जाते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि टोटल पूरी वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो 50 जीनस की है और इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 20 जीनस ही इसके पाए जाते हैं। वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो 1900 स्पीसीज होती हैं बट इन इंडिया ओनली 154 स्पीसीज आर फाउंड। हैबिट देखेंगे, हैबिट इरेक्ट और क्लाइंबिंग दोनों टाइप का हो सकता है। मीन्स इरेक्ट स्ट्रेट भी हो सकते हैं और इसके साथ साथ क्लाइंबिंग मीन्स क्लिम करके चढ़ने वाले पौधे भी हो सकते हैं। एनुअल और पेरिनियल हर्ब और श्रब विथ एक्रिड जूस। मीन्स जो इसकी हैबिट में और अधिक देखेंगे तो पीरियड टाइम की बात कर रहा है, तो जो प्लांट होता है वो एनुअल या पेरिनियल हर्ब होते हैं या इसके साथ साथ ही श्रब होते हैं, बट ट्री नॉट फाउंड इन फैमिली रैनकुलेसी। इसके साथ साथ ही बात करें विथ एक्रिड जूस, मीन्स इसके जो स्टेम होते हैं, जो प्लांट का स्टेम है श्रब का या हर्ब का, उसमें एक एक्रिड जूस। एक्रिड मीन्स होता है एक तरह की कड़वाहट या एक तरह की कह सकते हैं स्मेल। तो ये जो एक्रिड जूस का फॉर्मेशन होता है वो होता है इसलिए क्योंकि इसके स्टेम में सल्फर का कंपोजिशन होता है एंड ड्यू टू द कंपोजिशन ऑफ सल्फर द प्लांट स्मेल एज अ बैड स्मेल कह सकते हैं उसको, या और इसके साथ साथ ही उसके स्टेम में एक एक्रिड जूस का फॉर्मेशन भी होता है जो बहुत ही अधिक कह सकते हैं टेस्ट में कड़वा कह सकते हैं उसे, या बहुत बेकार खराब टाइप का टेस्ट होता है, इसलिए इसको कहते हैं एक्रिड जूस। सम स्पीसीज और रैनकुलस, एग्जाम्पल रैनकुलेसी, सॉरी रैनकुलस एक्वाटी आर एक्वाटिक हर्ब्स। मीन्स कुछ और स्पीसीज की बात कर रहा है जो एक्वाटिक नेचर के होते हैं, मीन्स वाटर में भी इसके प्लांट पाए जाते हैं। यहाँ पर एग्जांपल दिया है रैनकुलस एक्वाटिलिस जो इस फैमिली का एक पौधा है। सबसे बड़ी इस फैमिली की जो जीनस है वो है रैनकुलस, जो सबसे अधिक मात्रा में जिसके सबसे अधिक स्पीसीज इस फैमिली में आते हैं और उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया रैनकुलेसी, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो एक एक्वाटिक स्पीसीज भी होती है जो पानी में भी पाई जाती है और इसका नाम है रैनकुलस एक्वाटिलिस। रूट देखेंगे तो टैप रूट होगी, ब्रांच होगी। स्टेम देखेंगे, स्टेम हर्बेसियस एरियल यूजुअली इरेक्ट होगा, मींस यूजुअली इरेक्ट होगा बट क्लिम्बिंग भी हो सकता है। लीव्स देखेंगे रेडिकल और अल्टरनेट
दोनों टाइप की हो सकती है, एक्सिस्टिपुलेट सिंपल और कंपाउंड लीफ भी हो सकती है। मीन्स कुछ प्लांट में सिंपल लीफ या कुछ में कंपाउंड लीफ भी आप देख सकते हैं, क्योंकि किसी पर्टिकुलर एक पौधे की बात हम नहीं कर रहे, पूरी फैमिली की बात कर रहे हैं। तो फैमिली में सिंपल लीफ भी आ सकती है और कंपाउंड लीफ भी आ सकती हैं। ऑफन विद ट्विस्टेड सीथिंग बेस, मीन्स जो इसका बेस होगा वो थोड़ा सा ट्विस्टेड होता है, उसके साथ ही लीफ पाई जाती हैं। फ्लोरल कैरेक्टर देखेंगे, सबसे पहले इनफ्लोरेसेंस, तो फ्लोरेसेंस जो है वो साइमोस टाइप का इनफ्लोरेसेंस है। सॉलिटरी टर्मिनल इन एनिमोन एंड नाइजेला, नाइजेला एंड एनिमोन जो है वो इस फैमिली का एक पौधा है, एक प्लांट है, जिसमें जो इनफ्लोरेसेंस होता है वो सॉलिटरी टर्मिनल मीन्स एकदम अपेक्स रीजन पर ही फ्लावर का फॉर्मेशन होता है। लॉन्ग रेसिम इन डेल्फिनियम, डेल्फिनियम में जो है वो लॉन्ग रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। एंड पेनिकल इन क्लीमेटिस, क्लीमेटिस में पेनिकल टाइप का इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। मीन्स कहने का मतलब है बहुत सारी टाइप की वैराइटीज में अलग अलग टाइप्स के इन्फ्लोरेसेंस पाए जाते हैं। पर्टिकुलर हम ये नहीं कह सकते कि इस जो फैमिली रैनिकुलेसी है इसमें सिर्फ एक ही टाइप का इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है, जिस तरह से आपको यहाँ विथ एग्जाम्पल दिए गए हैं कि जो एनिमोन और नाइजेला है उसमें सॉलिटरी टर्मिनल, जो डेल्फिनियम है उसमें लॉन्ग रेसिन, और जो क्लीमेटिस है उसमें पेनिकिल टाइप का इन्फ्लोरेसेंस होता है। फ्लावर देखेंगे तो फ्लावर जो एक्टिनोमार्फिक है, बाईसेक्सुअल फ्लावर है, हाइपोगाइनस है, एसाइक्लिक और हेमीसाइक्लिक टाइप का फ्लावर पाया जाता है। कैलिक्स देखेंगे तो सेपल्स फाइव है, पॉलीसेप्लस है, तो आपने जो है यहाँ सिस्टमेटिक पोजीशन में भी देखा था कि पॉलीपेटली है तो पॉलीसेप्लस ही होगा। पेटलॉइड स्ट्रक्चर है, मीन्स पेटल जैसे कैलिक्स का इसमें फॉर्मेशन होता है। इम्ब्रिकेट वार क्विंटेंशियल एस्टिवेशन, कोरोला देखेंगे तो पेटल्स जो है वो फाइव है, फाइव के साथ साथ और मोर भी दे रहा है, मीन्स फाइव तो होते ही हैं, इसके साथ और अधिक कोरोला भी हो सकते हैं। पॉलीपेटलस होगा, एस्टिवेशन इम्ब्रिकेट होगा, नेक्टेरिनस ऑफ वेरियस फॉर्म, मीन्स जो कोरोला होंगे उसमें अलग अलग टाइप के नेक्टर का फॉर्मेशन होता है, मीन्स अलग अलग टाइप की स्मेल होती है उसमें, अलग अलग जो फ्लावर होंगे उसमें। मॉडिफाइड पेटल्स और आउटर होल ऑफ स्टैमिन की बात करें, यूजली प्रेजेंट एट द बेस, मीन्स नेक्टेरिनस ऑफ वेरियस फॉर्म प्रेजेंट एट द बेस। फ्लावर का जो बेस है या कह सकते हैं कोरोला का जो बेस है उसमें अलग अलग टाइप के नेक्टेरियस फॉर्म्स भी पाए जाते हैं, जिसके वजह से फ्लावर डिफरेंट टाइप्स के स्मेल को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड्रोसियम देखेंगे, स्टैमेंस जो है वो मेनी है, मीन्स नंबर ही नहीं आइडेंटिफाइड है, स्टैमेंस जो है बहुत ढेर सारे हो सकते हैं। पॉलीएंड्रस एंड स्पायरली अरेंज्ड, इसके साथ ही स्पायरली अरेंज्ड होते हैं, मीन्स स्पायरल शेप में अरेंज होते हैं। एंथर जो अगर अर्नेट है एंड एक्सट्रोट्स डेहिसिंग बाय लॉन्गिट्यूडनल स्लिट्स, मीन्स जो डेहिसन होता है जिस जहाँ से एंड्रोसियम कह सकते हैं या पॉलन ग्रेस निकलते हैं वो लॉन्गिट्यूडनल स्लिट्स इसमें होती है, वो स्लिट्स ओपन होती है और वहाँ से जो पॉलन ग्रेस होते हैं वो स्प्रेड आउट होते हैं, कह सकते हैं डेहिस होते हैं। ये यहाँ पे आपको पूरा एक कंपरेटिव स्टडी दिखाई गई है, आप इसको डायग्राम बनाएंगे कॉपी में और इसके साथ साथ ही इस पर ध्यान भी देंगे। तो ये जो पूरी कंपरेटिव स्टडी है या कह सकते हैं जो डायग्राम रिप्रेजेंट किया गया है वो डेल्फिनियम एजेक्ट्स का है। डेल्फिनियम जो है जैसा कि आपको अभी बताया गया है कि एक रैनिकुलेसी फैमिली का ही प्लांट है। ये यहाँ पे फ्लावरिंग ट्यूब उसकी बताई गई है। फ्लावर जो है उनकी अलग अलग टाइप से स्ट्रक्चर, क्योंकि जो फ्लावर होते हैं वो कह सकते हैं इसका जो फ्लावर होता है रैनिकुलेसी का वो एक डिफरेंट टाइप्स का होता है, तो इसलिए यहाँ पर देखिए फ्लावर को दिखाया गया है सीन फ्रॉम द साइड, मीन्स साइड से देखने पर फ्लावर कैसा दिखता है, फ्रंट व्यू फ्रंट से देखने पर कैसा दिखता है। इसके साथ साथ ही LS भी यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काटा गया है इसका, और उसके बाद दिखाया गया कि ओवरी का स्ट्रक्चर, पेटल्स का स्ट्रक्चर, ये सारे कैसे कैसे होते हैं और एंथर कैसा होता है, कैसे अरेंज होता है, तो इसको आप देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पर आपको एक स्टैमन दिखाया गया है जिसमें एक एंथर लोब होते हैं और फिलामेंट होते हैं। फ्रूट्स भी दिखाए गए हैं यहाँ पर और ओवरी की TS दिखाई गई है। इसके साथ साथ ही फ्लोरल डायग्राम भी दिखाया गया है।
नेक्स्ट आगे हम बढ़ेंगे, करेक्टर्स की बात करेंगे तो गाइनोएशियम, गाइनोएशियम में कार्पल्स जो होंगे वो बहुत सारे होते हैं, मीन्स आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, जैसा कि आपने पीछे पढ़ा एंथर बाइनी, वैसे ही बिल्कुल कार्पल भी इनडिफिनिट होते हैं। एपोकार्पस, ओवरी जो है वो सुपीरियर टाइप की होगी, ओनली वन लॉक्यूल प्रेजेंट, सो कॉल्ड यूनिलॉक्यूलर विथ वन और मोर ओव्यूल इन ईच लॉक्यूल, मीन्स जो लॉक्यूल होंगे वो ढेर सारे होंगे और उसमें ओव्यूल जो होंगे वो एक भी हो सकते हैं या दो भी हो सकते हैं, इससे अधिक भी हो सकते हैं। प्लेसेंटेशन मार्जिनल और बेसल दोनों टाइप का होगा, स्टाइल एंड स्टिग्मा आर सिंगल वन। फ्रूट देखेंगे तो एनिटेरियो ऑफ एकिंस और फॉलिकल्स टाइप का फ्रूट इसमें पाया जाता है। सीड्स देखेंगे कंटेनिंग ऑयली इंडोस्पर्म एंड माइन्यूट स्ट्रेट एम्ब्रियो, मीन्स जो सीड्स है उसमें एक माइन्यूट छोटा सा स्ट्रेट एम्ब्रियो होता है और इसके साथ साथ इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है, और इंडोस्पर्म जो होता है वो ऑयली नेचर के होते हैं, मीन्स इसका मतलब ऑयली इंडोस्पर्म अगर पाया जाता है तो इसका मतलब है कि जो प्लांट है उसकी सीड से ऑयल बनाया जा सकता है, जैसा कि क्रूसीफेरी में आपने पढ़ा उसका भी एंडोस्पर्म ऑयली होता है, उसके कॉटिलेडंस ऑयली होते हैं इसलिए सरसों का तेल बन जाता है उससे। पॉलिनेशन देखेंगे, द फ्लावर आर प्रोटेंडस एंड आर एडाप्टेड फॉर इंसेक्ट पॉलिनेशन, मेनली इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है। सम स्पीसीज ऑफ एनिमोन क्लीमैटिस एट्सेट्रा आर डिस्पर्स बाय विंड, कुछ स्पीसीज जैसे एनिमोन क्लीमैटिस दे रहा है वो डिस्पर्स होते हैं विंड के द्वारा। द स्पीसीज ऑफ रैनकुलस आर डिसिमिनेटेड बाय एनिमल और बर्ड। फ्लोरल फार्मूला देखेंगे तो फ्लावर रैनकुलस की बात अलग किया है, डेल्फिनियम चूंकि थोड़ा सा डिफरेंट है डेल्फिनियम बाकी रैनकुलस स्पीसीज से, तो इसलिए यहाँ पर इसका अलग से दे दिया गया फ्लोरल फार्मूला। तो अगर हम रैनकुलस का देखते हैं, फ्लोरल फार्मूला बनाते हैं, तो ये एक्टिनोमार्फिक कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके साथ साथ ही बाईसेक्सुअल मीन्स मेल और फीमेल एक ही प्लांट में है। कैलिक्स जो है 5 है, कोरोला भी 5 है, एंड्रोसियम आपने देखा है इंडिफिनिट होते हैं और गाइनोसियम भी इनडिफिनिट होते हैं, इसलिए यहाँ पर इनडिफिनिट की साइन यूज़ करेंगे हम, उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, और ओवरी जो है वो सुपीरियर है। इसके साथ ही डेल्फिनियम का देखेंगे तो डेल्फिनियम में जाइगोमार्फिक कंडीशन है, बाईसेक्सुअल है, कैलिक्स 5 है, कोरोला 4 होते हैं इसके, और इसके साथ साथ ही गैमोपेटलस होते हैं ये, यानी कि एक साथ जुड़े हुए होते हैं। और गाइनोइसियम जो है वो उसमें ओवरी जो है वो सॉरी कार्पेल जो है वो सिंगल कार्पेल का फॉर्मेशन होता है और सुपीरियर ओवरी होती है, ये डेल्फिनियम का स्ट्रक्चर है। कॉमन प्लांट हम देखेंगे यहाँ पर, तो कॉमन प्लांट अभी आपने सारे एग्जांपल में देख ही लिए हैं, रैनकुलस, डेल्फिनियम, क्लीमैटिस, एनिमोन, नाइजेला, थैलिट्रम एट्सेट्रा। अब हम देखेंगे इस फैमिली की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देखेंगे तो पहला ऑर्नामेंटल प्लांट है, तो जैसा कि आपने देखा जो बटर का फैमिली है उसके फ्लावर जो होते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं, बहुत ही सुंदर होते हैं, इसलिए सबसे अधिक इसका यूज जो है वो ऑर्नामेंटल फॉर्म के में ही किया जाता है। सो मोस्ट ऑफ द स्पीसीज ऑफ रैनकुलस, एनिमोन, एकोनिटम एंड क्लीमैटिस आर कल्टिवेट इन गार्डन एज ऑर्नामेंटल प्लांट फॉर देयर ब्यूटीफुल फ्लावर। मोस्टली जो इस फैमिली की स्पीसीज है उनको ऑर्नामेंटली क्रॉप के फॉर्म में उगाया जाता है, क्यों? क्योंकि उनके फ्लावर जो है बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं। मेडिसिनल प्लांट देखेंगे, एकोनिटम नेपलस ईल्ड एकोनाइट, एकोनिटम जो है इसको आप ध्यान देंगे, एकोनिटम जो प्लांट है उससे एकोनाइट जो है ईल्ड मीन्स बनाया जाता है या प्राप्त किया जाता है, यूज इन रिलीविंग पेन एंड फॉर पैल्पिटेशन ऑफ हार्ट, मीन्स इसका यूज जो होता है वो पेन, अधिक पेन है तो उसको उसमें रिलीफ लेने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। एनिमोन पल्सटिला यील्ड पल्सेटिला ए गुड नर्व टॉनिक, मीन्स जो एनिमोन पल्सेटिला स्पीसीज है इसकी उससे पल्सेटिला नाम की एक जो है कह सकते हैं ड्रग्स या कह सकते हैं दवा है, एक मेडिसिन बनाई जाती है जिसका यूज किया जाता है नर्व टॉनिक के फॉर्म में किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे थैलेक्ट्रम यील्ड मैमेरा, मीन्स थैलेक्ट्रम जो है वो एक तरह की
मैं मीरा को उसे यील्ड करते हैं, यूज्ड इन आई ट्रबल, मीन्स आँख में अगर कोई आई प्रॉब्लम है किसी को तो उसके लिए इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रास्टिक कैनाडेंसिस रूट्स, यूज्ड इन क्योर ऑफ इन्फ्लेम म्यूकस मेम्ब्रेन, मेन म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है उसके क्योर के लिए यूज किया जाता है। किसका रूट? हाइड्रेटिस का रूट यूज किया जाता है। नेक्स्ट है नाइजेला सीड्स आर यूज्ड एज स्टिमुलेंट डायूरेटिक एंड कंडीमेंट्स, नाइजेला की जो सीड्स होती हैं उनको स्टिमुलेंट के फॉर्म में, डायूरेटिक एंड कंडीमेंट्स के फॉर्म में यूज किया जा सकता है। और लास्ट एडोनिस एस्टिवेलिस रूट्स आर यूज्ड एज कार्डियक स्टिमुलेंट, मीन्स कार्डियक स्टिमुलेंट के फॉर्म में जो है एडोनिस एस्टिवेलिस रूट्स यूज किया जाता है। तो ये बहुत ही एक तरह से कह सकते हैं मेडिसिनल जो इसका यूज है वो बहुत ही अधिक है, और इसके साथ साथ ही ऑर्नामेंटली इसको उगाया जाता है ब्यूटीफुल फ्लावर्स के लिए। तो ये थी फैमिली रैनमकुलेसी। इसमें आपको दो टाइप के फिगर दिए जाएंगे, पहला डेल्फिनियम स्पीसीज का और दूसरा रैनमकुलस स्पीसीज का। इसमें से आप जो भी चाहें बना सकते हैं। और वैसे भी देखेंगे तो डेल्फिनियम इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि डेल्फिनियम स्पीसीज जो है वो बाकी जो प्लांट्स हैं उनसे डिफरेंट होती है, और रैनमकुलेसी इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मोस्ट जो सबसे अधिक सबसे बड़ा जीनस है, सबसे अधिक स्पीसीज वाले जो जीनस है वो रैनमकुलेसी ही, और रैनमकुलस प्लांट के नाम पर ही इस फैमिली को नाम दिया गया रैनमकुलेसी, इसलिए दोनों ही बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट हैं।